शाम के समय मम्मी चौराहे से सब्जी लेकर घर की तरफ निकली। उनके हाथ में पर्स था। अचानक पीछे से भागता हुआ एक चोर आया और मम्मी की पर्स छीन कर भाग गया। गट्टू! मम्मी की ये पुकार आसमान में बार बार गूंजी। गट्टू काफी तेजी से चोर का पीछा कर रहा था। सारे लोग स्टाइल में स्केटिंग करते हुए चोर के पीछे भागने वाले गट्टू को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। लोगों ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। चोर का पीछा करने वाला गट्टू किसी फिल्म के हीरो से भी बढ़कर एक्शन करता हुआ स्केटिंग कर रहा था। मम्मी गट्टू की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। गट्टू चोर के काफी पास पहुंच गया था। चोर ने गट्टू को पीछे देखकर स्पीड बढ़ा दी। सो स्मार्ट, लेकिन तुम बच नहीं सकते बच्चू। गट्टू ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई और अब वो चोर को पकड़ने ही वाला था कि तभी अचानक, गट्टू गट्टू उठो, 8 बज गए हैं। गट्टू ने आंखें खोली तो ना वो सड़क पर था और ना ही सामने चोर था। गट्टू बिस्तर पर सोया हुआ था और मम्मी उसे जगा रही थी। क्या मम्मी, अब सपने में भी स्केटिंग नहीं करने देती हो मुझे? तुम्हारा स्केटिंग का भूत अब तक उतरा नहीं है, चलो उठो, स्कूल नहीं जाना है। बेचारा गट्टू मम्मी की बात मान गया और काम पर लग गया। कुछ दिनों से सोसाइटी के मयंक भैया और उनके कुछ दोस्त सोसाइटी में स्केटिंग कर रहे थे। हर शाम गट्टू उनके पास जाकर उनकी स्केटिंग देखता था। सारे लड़के स्केटिंग शूज पहनकर हवा चीरते हुए स्टाइल मारते हुए स्केटिंग करते थे। उनको देखकर गट्टू के सिर पर भी स्केटिंग का भूत सवार हो गया था। गट्टू, स्केटिंग सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, पैशन है पैशन। बचपन में मुझे लगता था मेरे पैरों को व्हील्स होती तो कितना अच्छा होता। आज स्केटिंग से मुझे वो व्हील्स मिल गए, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता।